Good morning, students. Hope you all are doing fine. Today we are going to look at the question answers in our first chapter for class 9th. The activities we have done earlier, they are basically completed, and you need to be very, very careful when you are understanding those activities, because some of those activities can be very important for us. For now, what we're going to do is we're going to focus on all of those activities, and when the exams are near, or when we are basically preparing for exams, then we will find out which of them are necessary and useful for your exam preparations. Now, in today's class, we are going to look at a section which is called DIY sections, which means do it yourself section, जिसमें हम लोग ऐसे questions को देखेंगे. We try to understand the language, और ये questions को आपको properly understand करना है and समझना है, and then आपको इन्हें खुद करना है. तो ये जो DIY questions हैं, you need to be able to do it yourself. This is important because we need to develop a habit जहाँ पर हम questions की language को समझ कर और उसके answers हम लोग search कर पाएँ on our own, and लिख पाएँ and understand कर पाएँ. So today the first set of DIY questions that you are going to do are on page number 3 of your science book. So let's look at the first question, which you can see on your screen. Which of the following are matter? आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कौन कौन से जो ऑप्शंस हैं उनमें यू कैन से दैट दे आर मैटर. सबसे पहला है चेयर, देन एयर, लव, स्मेल, हेट, ऑलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम. तो वी नो व्हाट मैटर इज, राइट? हमने मैटर की डेफिनेशंस पढ़ी थी, दैट एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसमें मास है, उसे हम मैटर कहते हैं. नाउ रिमेंबरिंग दैट डेफिनेशन एंड वट एवर द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव स्टडीड, जो भी हमने पढ़ा है मैटर के बारे में, उसको ध्यान में रखते हुए आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मैटर की कैटेगरी में आप रख सकते हो. ओके, सो दैट वॉज योर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. देखो, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. आपको रीजन बताना है. इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दीज आर वेरी कॉमन क्वेश्चन, जहाँ पर यू नीड टू जस्टिफाई और यू नीड टू गिव रीजन, जहाँ पर आपको रीजन बताना होता है फॉर द स्टेटमेंट जो भी उसमें दे रखा हो. इसमें क्या स्टेटमेंट हमें दे रखा है, देखो. द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज. जो हॉट सिजलिंग फूड है, जो बहुत गर्म जो खाना होता है, उसकी जो स्मेल है वो आप तक काफ़ी दूर तक पहुंच सकती है, बट अगर कोई खाने का आइटम कुछ ठंडा है अगर, तो उसकी स्मेल आपको तभी आएगी जब आप काफ़ी उसके पास होंगे. सो इसका आपको आंसर देना है, ऐसा क्यों होता है कि हमें सिर्फ गर्म खाने की स्मेल ही दूर तक आ सकती है, बट ठंडे खाने की स्मेल हमें दूर तक नहीं आती है. यू विल फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स. जो हमने पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वहाँ से आपको इसका आंसर मिल सकता है. यू नीड टू गो थ्रू दोज प्रॉपर्टीज़ और उनको प्रॉपरली आपको एक तरीके से रिपीट करना है, समझना है, एंड दैट वन ऑफ दोज प्रॉपर्टीज़
will be the answer to this question. Okay, now let's move on to question number 3. A diver is able to cut through water in a swimming pool. Diver means जो पानी में जो dive करते हैं ना, गोता लगाते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, right? तो जो diver है is able to cut through water in a swimming pool. एक swimming pool में जब कोई diver भी नहीं, तो अगर हम जब भी हम स्विमिंग पूल में जाते हैं, कूदते हैं, तो हम पानी को कट कर सकते हैं, राइट? विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? तो आपको ये बताना है कि मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आप ऐसा कर पा रहे हो, जिसकी वजह से जो डाइवर है वो वाटर के थ्रू मूव कर पा रहा है, वाटर के को कट करके आगे बढ़ पा रहा है इन ए स्विमिंग पूल. आपको ये बताना है कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि इस चीज़ में हेल्प करती है. ओके, अगेन इसमें आपको पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टी है वो वाला जो अपना सेक्शन है, यू नीड टू गो थ्रू दैट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर? आपको फाइनली इसमें बताना है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी. वी went through the properties of matter, particles of matter. There were 3 properties basically. So you need to mention those properties in this question. Alright? So these were the first set of questions on page number 3. First set of DIY questions that you need to do yourself. And I hope you understood all the questions properly. Now let's move on to the next set of questions, which you will find on page number 6. Okay, so we are on page number 6, and these are the second set of questions that we need to you need to do yourself. Okay, let's first check question number 1. The mass per unit volume of a substance is called density. So this is the definition of density which is given in the question. Mass per unit volume, that means iska matlab kya hua ki per unit volume. Ab volume ki unit aapko pata hai kya hoti hai, मीटर क्यूब. एंड पर मीटर क्यूब जितना मास आपको मिल रहा है, ओके, पर मीटर क्यूब जितने पार्टिकल्स आपको मिल रहे हैं वो क्या हो जाता है, डेंसिटी हो जाती है. नाउ नीचे आपको डेंसिटी का फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? अब आपको इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए नीचे और एक क्वेश्चन का पार्ट दे रखा है, उसको देखना है. अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी. आपको इन जो चीज़ों को दे रखा है उसको अरेंज करना है. किस ऑर्डर में अरेंज करना है? इंक्रीजिंग डेंसिटी, डेंसिटी के इंक्रीज होने वाले ऑर्डर में. दैट मींस सबसे पहले आपको वो सब्सटेंस रखना है या वो मैटर या मटेरियल रखना है जिसमें सबसे कम डेंसिटी हो, और फिर उसके बाद आपको उसको इंक्रीज़ करते करते लास्ट में वो मैटर रखना है जो कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला मैटर होगा. अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इसके लिए? एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, चिमनी से निकलने वाला जो धुआं है, हनी, राइट, शहद, वाटर, चॉक, चॉक जिससे हम बोर्ड्स पे लिखते हैं, कॉटन एंड आयरन. सो इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि एक ऑर्डर अरेंज करना है दैट सबसे लो डेंसिटी वाला आपको सबसे पहले प्लेस करना होगा ऑर्डर में, एंड देन सबसे हाई डेंसिटी वाला सबसे लास्ट में. राइट, ट्राई टू गो थ्रू दी सब्सटेंसेस कि कौन कौन से सब्सटेंसेस विच यू थिंक हैज़ लीस्ट डेंसिटी एंड विच हैज़ द मोर डेंसिटी. यू हैव टू अरेंज इट इन दैट ऑर्डर. Now, question number 2.
इसमें दो पार्ट्स हैं. सबसे पहले लेट्स लुक एट पार्ट ए. टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. अब दिस इज वी हैव डन ऑलरेडी. आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, दैट आपको डिफरेंसेस जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, टैबुलेट मतलब टेबल की फॉर्म में आपको डिफरेंसेस लिखना है. जो अलग अलग स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, उनकी उनकी प्रॉपर्टीज़ के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, उन्हें आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है. विच वी हैड डन व्हेन वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक इन द चैप्टर. हमने प्रॉपर्टीज़ को टेबुलर फॉर्म में, देर वर 10 प्रॉपर्टीज़ जो कि हमने लिखी थी. यू नीड टू डू दैट. इसमें यू नीड टू राइट एटलीस्ट मिनिमम 6 प्रॉपर्टीज़ आपको इसमें टेबुलर फॉर्म में लिखनी है. ओके, अनदर थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर स्टूडेंट्स, दैट यू कैन डू ऑल दीज क्वेश्चंस फॉर नाउ इन योर रफ नोटबुक इफ़ यू डोंट हैव अ फेयर नोटबुक. बट इफ़ यू कैन गेट अ फेयर नोटबुक, देन मेक श्योर कि आप ये क्वेश्चंस जो हैं अपनी फेयर नोटबुक्स में करें. बिकॉज अगर आप इसे रफ में करेंगे, देन स्टिल यू विल हैव टू डू दीज क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक्स लेटर. सो द बेटर ऑप्शन इज इफ यू कैन गेट अ फेयर नोटबुक, देन डू दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर फेयर नोटबुक. ओके ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज पार्ट बी. इसमें हमें दे रखा है दैट वी नीड टू कमेंट अपॉन द फॉलोइंग. कमेंट इन द सेंस दैट यू नीड टू बेसिकली डिफाइन दीज प्रोसेसेस जो आपको दे रखे हैं. सबसे पहला है रिजिडिटी. रिजिडिटी वी सॉ दैट बेसिकली अ स्ट्रक्चर विच इज़ रिजिड हार्ड और सॉर्ट ऑफ विच हैज़ अ रफ और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, राइट. कंप्रेसिबिलिटी वी सॉ. कंप्रेसिबिलिटी बेसिकली इज समथिंग विच कैन बी कंप्रेस्ड, जिसका आप शेप या वॉल्यूम चेंज कर सकते हो बाय अप्लाइंग प्रेशर और फोर्स, है ना, उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी. फ्लूडिटी. फ्लूडिटी वी ऑल्सो डिस्कस्ड दैट बेसिकली फ्लूडिटी इज़ द जो सब्सटेंसेस फ्लो हो सकते हैं, राइट. उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूडिटी बोलते हैं. फिलिंग अ गैस कंटेनर. एक गैस कंटेनर को पूरी तरीके से फिल कर पाना, उस इस प्रोसेस को आप इसके बारे में क्या चीज़ बोल सकते हो. इफ़ यू वांट तो आप इसमें गैस को कंपेयर कर सकते हो विद लिक्विड और सॉलिड, एंड यू कैन आंसर इट इन दैट वे कि हाउ अ गैस, व्हाई अ गैस कैन फिल अ कंटेनर बट व्हाई अ सॉलिड और अ लिक्विड कैन नॉट फिल एनी कंटेनर, राइट. इसमें फिलिंग अ गैस कंटेनर मीन्स आप इस सेंस से भी आप ले सकते हो दैट अगर हम एक लेट्स से 1 लीटर का कंटेनर है ना 1 लीटर का कंटेनर है, और उसमें अगर आप 500 ml वाटर लेते हो या 500 ml सॉलिड लेते हो, तो वो 500 ml तक ही रहेगा, इज़न्ट इट. लेकिन लेट्स से आपने उसमें 500 ml गैस ली, तो 500 ml गैस उस 1 लीटर वाले कंटेनर को पूरी तरीके से फिल कर सकता है ना, वो स्प्रेड हो जाएगी गैस. सो यू नीड टू बेसिकली कमेंट ऑन दिस और राइट अ फ्यू पॉइंट्स, 1 or 2 points ऑन दिस कि व्हाई डज दैट हैपन्स, व्हाई अ गैस कैन फिल अ कंटेनर कम्प्लीटली, ठीक है, इस बारे में आपको बताना है. नेक्स्ट इज शेप. शेप के बारे में यू कैन एक्सप्लेन कि व्हाई सम स्टेट्स हैव फिक्स शेप, व्हाई सम स्टेट्स हैव वेरिएबल शेप, है ना. इसमें भी यू कैन यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी पार्टिकल्स की, राइट, उन प्रॉपर्टीज़ को आप यूज़ में ले सकते हो टू आंसर दिस और टू राइट अबाउट दिस. काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी. वी हैड डिस्कस काइनेटिक एनर्जी इज़ बेसिकली वो एनर्जी जो किसी भी मूविंग पार्टिकल में होती है, राइट. तो इसको भी आप लिख सकते हो इसके बारे में, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी. एंड आप या तो अलग अलग स्टेट्स के कंपैरिजन में लिख सकते हो कि व्हाई सॉलिड्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स एंड गैसेस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स. इसका भी आप इसके बारे में लिख सकते हो. एंड लास्ट इसमें है डेंसिटी.
राइट। तो डेंसिटी के बारे में यू कैन अगेन कंपेयर डिफरेंट डेंसिटीज, और यू कैन राइट कि अबाउट द वाई सम वाई लिक्विड हैज़ लेसर डेंसिटी देन सॉलिड, और वाई गैस हैव द लीस्ट डेंसिटी, इसके बारे में यू कैन राइट वन और टू पॉइंट्स। सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टू सेक्शंस ऑफ दिस, टू ए एंड टू बी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री, वी नीड टू गिव रीजन्स। सी वी जस्ट डिस्कस्ड इन आर इन द प्रीवियस डी आई वाई सेक्शन की गिव रीजन्स, हमने हमें कई कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो देर आर फोर पार्ट्स, लेट्स गो थ्रू पार्ट ए। अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। जो एक गैस है किसी भी वेसल में जब आप उसको रखते हो तो उस वेसल को कम्प्लीटली फिल कर देती है। तो लुक दीज व्हाट यू विल फाइंड इन दीज क्वेश्चंस इज कि क्वेश्चंस कुछ कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट रिपीटिंग योर आंसर्स। आप इतना ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि आंसर सिमिलर है, और इफ़ यू थिंक दैट क्वेश्चन इज़ सिमिलर, तो यू कैन यूज़ the similar answer in both the questions, that is not a problem. Like in this one, जैसे हमने ऊपर question number 2 का जो B part पढ़ा था कि we were trying to explain filling a gas container point, तो again वही उससे related कुछ ये question number 3 का A part भी है। A gas fills completely the vessel in which it is kept, आपको उसका reason बताना है simply कि ऐसा क्यों होता है कि कोई भी gas जिस भी आप इसको वेसल में रखो, जिस भी कंटेनर में रखो, उसको कम्प्लीटली फिल कर देती है। ओके, सॉलिड और लिक्विड ऐसा नहीं कर सकते, जितना आप सॉलिड लिक्विड लेते हो उतना ही वो उस कंटेनर को फिल कर पाता है। जबकि ऑन द अदर हैंड गैस कितनी भी आप लो लेकिन वो पूरा कंटेनर फिल कर सकती है, पूरे कंटेनर में स्प्रेड हो सकती है, फैल सकती है, उसका रीज़न आपको बताना है। सेकेंड या बी पार्ट, अ गैस एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, इसका रीज़न बताना है आपको। नाउ यू नो कि जब हम गैस को किसी कंटेनर में फिल करते हैं, यू नो दैट गैस पार्टिकल्स हैव अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो उस बेसिस पर आपको बताना है कि जब पार्टिकल्स में इतनी ज़्यादा मूवमेंट होगी तो वो जिस भी कंटेनर में हमने गैस को रखा है, उसके पार्टिकल्स को रखा है, वो उसकी वॉल्स पे ज़्यादा प्रेशर क्यों क्रिएट करती है, राइट। ये चीज़ आपको बतानी है। तो यू कैन रिलेट द काइनेटिक एनर्जी प्रॉपर्टी विद दिस आंसर एंड यू विल बी एबल टू राइट इट प्रॉपरली। नेक्स्ट इज सी, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड, इसका रीज़न आपको बताना है कि अगर कोई वुडन टेबल है उसको सॉलिड क्यों कहना चाहिए हमें। तो व्हाट यू कैन डू इन दिस इज़ यू कैन यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वुडन टेबल। सिंपल सी बात यह है कि अगर वुडन टेबल में आप शो कर सकते हैं कि सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है, देन आप बोल सकते हैं कि हम इसको, दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट अ सॉलिड, बिकॉज इसमें एक्स वाई जेड प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड की। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट और यू नीड टू रिलेट कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ आप वुडन टेबल की प्रॉपर्टीज से रिलेट करोगे ऑफ सॉलिड्स, जो कि आपके आंसर को जस्टिफाई कर सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट, लास्ट पार्ट। वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट To do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. Okay, now in this question, हमें एक चीज़ दे रखी है that अगर हमें हमारा hand हम easily air के through move कर सकते हैं, we can easily move our hand through the air, right? But if we want to easily move our hand through a, let's say, wood, block of wood, तो हम नहीं कर सकते, उसके लिए हमें व्हाट डू वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट, वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट फॉर दैट। ऐसा क्यों है?
ये आपको बताना है कि हम एयर के थ्रू तो इजीली मूव कर सकते हैं हैंड, लेकिन एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के थ्रू जैसे एक वुडन ब्लॉक है उसके थ्रू इजीली अपना हैंड मूव नहीं कर सकते। इसका रीज़न आपको इसमें बताना होगा। अगेन यू कैन यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वही प्रॉपर्टीज़ आपको इसमें भी काम में लेनी है टू राइट ए प्रॉपर आंसर। ओके, नाउ दीज वर द फोर पार्ट्स ऑफ योर थर्ड क्वेश्चन इन योर DIY सेक्शन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ओके, दिस इज वी नो कि जो लिक्विड्स हैं उनकी जो डेंसिटी है वो सॉलिड से कम होती है। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। नाउ इन दिस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो सबसे पहले तो यू नीड टू नो वन थिंग कि वाटर में अगर कोई चीज़ वाटर के सरफेस पे अगर फ्लोट हो रही है तो वो फ्लोट इसलिए हो रही है क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से कम है। ओके, लेकिन अगर कोई चीज़ उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है तो वो जो सब्सटेंस है वो वाटर में सिंक कर जाता है, डूब जाता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दिस, है ना। नाउ सेकेंडली वी नो दैट सॉलिड्स हैव अ ग्रेटर डेंसिटी देन लिक्विड्स। दैट मीन्स इफ यू पुट अ सॉलिड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर देन दैट सॉलिड मस्ट सिंक बिकॉज इट हैज़ मोर डेंसिटी, है ना। जनरली वी से सॉलिड्स आर मोर डेंसर देन लिक्विड्स। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है आइस इज अ सॉलिड, राइट। बट वाई इफ आइस इज सॉलिड देन वाई डज इट फ्लोट्स ऑन वाटर। यू नीड टू गिव दैट आंसर। सो दिस इज बेसिकली ए क्वेश्चन विच यू कैन आंसर बाय लुकिंग एट द properties which we studied. Try to do these questions yourself and try to understand the language and write it properly. There are more questions which we are going to understand, but that will be done in our next class.